So hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis & Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in part 1 of this video, I was talking about accountability of judges, जिसमें मैंने बात की थी कि क्या judges को भी judge करने के लिए कोई कानून बनना चाहिए, कुछ ऐसा rule लाना चाहिए, accountability rule जो कि है, accountability act है, जो कि क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, क्यों लाना चाहिए हमें. तो हमने इस विषय में बात की थी कि कैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंटरेस्टिंग जजेस की जजमेंट्स के बारे में मैंने बात की थी कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट भी एक अजीब सी जजमेंट कई बार दे देता है. जैसे प्रशांत भूषण केस के अंदर हमने देखा था कि प्रशांत भूषण को सिर्फ जिसके ऊपर जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगे थे और उन्हें सिर्फ एक रुपए की पेनल्टी कहें या पनिशमेंट कहें वो दी गई थी. तो ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस कई बार सामने आते हैं. एक जो फिर उसके हमने बाद में बात की थी, हमने हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है. ये रियल ट्रेजेडी है कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक कैसे हमें चलना पड़ता है. हमने बात की थी कि क्या ऐसा रिफॉर्म जो बिल है ऐसा लाना चाहिए या लाया जा सकता है. और हमने ये भी बात की थी कि ऐसा बहुत बार प्रयास भी किया गया है एक जेन्युइन रिफॉर्म लाने का जुडिशियल सिस्टम में, लेकिन जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बीच में स्टेप इन करके उसे खारिज कर देती है, कैंसिल कर देती है. और इसी पे मैं बात करूँगा कि कैसे ऐसे रिफॉर्म्स कब कब लाए गए हैं और कैसे कैसे जुडिशरी ने उसे कैंसिल किया है, क्या किस बेस पे कैंसिल किया है. तो हम बात करें एक जेन्युइन रिफॉर्म के बारे में. तो अगस्त 2014, आज से 6-7 साल पहले की बात है, अगस्त 2014 के अंदर जो मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार पावर में आई थी, तब एक न्यू रिफॉर्म एक न्यू अटेम्प्ट टू रिफॉर्म हम कह सकते हैं, वो लाने का प्रयास किया गया था, जिसे कहा था NJAC बिल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि एक स्मॉल अटेम्प्ट था हम कह सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म, एक रिफॉर्म इन द जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि कैसे जो है जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सकती है. लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो जो हाई कोर्ट में अगर होनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि लिखा हुआ है कि एक कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो है जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो जजेस खुद करते हैं. किस क्रिटेरिया पे करते हैं, कौन क्या प्रोसीजर फॉलो करके वो करते हैं, ये बताया नहीं जाता उनका जब वो कोई किसी को अपॉइंट करते हैं. क्वालिफिकेशंस उसकी नहीं बताई जाती, उनकी मेरिट्स नहीं बताए जाते कि किस मेरिट्स के ऊपर उन्हें जज नियुक्त किया गया है. इसीलिए ये NJAC बिल लाया गया था, जिस बिल के अंदर बात की गई थी कि एक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट भी बनाया जाए जो कि जुडिशियल जजेस के साथ मिलकर जो है वो अपॉइंट करे जजेस को फॉर द बेटर पार्टिसिपेशन, फॉर द बेटर रिजल्ट ऑफ मेकिंग ए जज, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटिव एक बॉडी है और जो जजेस हैं उन दोनों का एक पार्टिसिपेशन साथ में मिलकर एक कम्बिनेशन, ताकि एक बेटर रिजल्ट सामने आया जा सके. इसीलिए ये बिल लाया गया था, लाने की बात चल रही थी, इसे पास भी कर दिया गया था पार्लियामेंट में. लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2015 अक्टूबर के अंदर जुडिशरी स्टेप्ड इन एंड किल्ड द बिल ऑन द बेसिस कि ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन हमें पहले से बता के रखता है कि किस बेसिस पे जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो होनी चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, इन सब की बातें को भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी गई है. तो ऐसा कोई बिल लाने की आवश्यकता नहीं है. इतना ही नहीं, 2010 के अंदर भी एक बिल लाने की बात हुई थी, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010, इस बिल को भी लाने की बात हुई थी. इसे भी पार्लियामेंट राज्यसभा में पास कर दिया गया था. और लेकिन ये बिल बात करता था कि जैसे कि हाई कोर्ट हमने देखा है, ज़्यादातर जो हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो वही जजेस हैं जो वहाँ पहले जो एज ए एडवोकेट या फिर एज ए वहाँ काम करते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे, वही आगे जाके जज बन जाते हैं, उन्हीं के बच्चे जज बन जाते हैं, उन्हीं के फ्रेंड्स, उन्हीं के फैमिली वाले. तो ये चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं, इससे नज़र नहीं फेर सकते हम, ऐसा चलता आ रहा है जुडिशरी में.
तो इसीलिए जो है, लेकिन ये भी एक फेल्ड अटेम्प्ट था पार्लियामेंट के लॉन्ग प्रोसीजर के चक्कर में, ये भी अटक गया था बीच में बिल लाना, और इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ये कह के कि एक हमें इम्पीचमेंट जो है वो एक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दी गई है, इसलिए क्या ज़रूरत है ऐसा अकाउंटेबिलिटी बिल लाने की जबकि हमारे पास इम्पीचमेंट जैसी एक प्रक्रिया जो है वो पहले से है। लेकिन अगर हम देखें कि प्रैक्टिकली देखें तो इम्पीचमेंट वाली जो प्रक्रिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जजेस की इम्पीचमेंट के लिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनफेक्टिव है, हमने देखा है, क्योंकि उसमें जो है 2/3 ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं इम्पीचमेंट करने के लिए किसी जज को, लेकिन वो सहमति कभी बन नहीं पाती है पार्लियामेंट के अंदर। इसीलिए आज तक नॉट ए सिंगल जज हैज़ बीन इम्पीच्ड इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उससे पहले भी नहीं हुआ होगा ऐसा ही मेरा मानना है। तो इम्पीचमेंट जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि 2/3 ऑफ एक मेजोरिटी के वोट्स चाहिए होते हैं इम्पीच करने के लिए। इसीलिए जो जस्टिस जो पहला केस है इसका, जो जस्टिस वीरास्वामी रामास्वामी का केस है, जो कि सीजे थे, चीफ जस्टिस थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, उनके ऊपर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला केस था जो इम्पीचमेंट का, वो सामने आया था लेकिन वही हुआ जो मेजोरिटी थी वो वोट्स उनको नहीं मिले और जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया थी वो बीच में ही रह गई। इसके बाद में एक और केस आया था पीडी दिनाकरन का, जिसमें कि ऐसा देखा गया था कि जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, जो शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही है जो जज है वो ने रिज़ाइन कर दिया था। ऐसा कई बार केस आया है सामने कि जहाँ इम्पीचमेंट किसी का होने वाला हो वो पहले रिज़ाइन कर देता है, तो उसके बाद में कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसी के ऊपर हमारी आज की दोनों वीडियोस बेस्ड थी कि क्या ऐसा रिफॉर्म बिल लाना ज़रूरी है या फिर ये जो सिस्टम पहले से जो कॉलेजियम सिस्टम है वो चलता आ रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच वीडियोज़ यू कैन विजिट लेक्स क्लिक। थैंक यू सो मच।